दक्षिण भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया के शेयर ने लिस्टिंग वाले दिन ही साउथ की फिल्मों के जैसे धमाकेदार प्रदर्शन कर दिखाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया के शेयर सोमवार 17 अक्टूबर 2022 को स्टॉक एक्सचेंज पर 53% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर 53% प्रीमियम के साथ 90 रुपए पर लिस्ट हुए हैं। कंपनी के शेयर का इशू प्राइस 59 रुपए था, यानी लिस्टिंग वाले दिन ही इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया के शेयर होल्डर्स माला माल हो गए। बीएसई पर कंपनी के शेयर 52% प्रीमियम के साथ 89.40 रुपए पर लिस्ट हुए हैं। अब तगड़ा रिटर्न मिला तो कुछ इन्वेस्टर्स ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी की। इसके चलते इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया का शेयर और ऊपर नहीं चढ़ पाया। प्रॉफिट बुकिंग के चलते एनएसई पर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया के शेयर 43.22% चढ़कर 84.50 रुपए पर बंद हुए। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया के शेयर की आईपीओ में जबरदस्त डिमांड रही। इसका आईपीओ 4 अक्टूबर को खुला और 7 अक्टूबर को बंद हो गया और ये करीब 72 गुना सब्सक्राइब हुआ। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ने आईपीओ के जरिए 755 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 56 से 59 रुपए था। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया यानी ईएमआई के देश भर में 112 स्टोर्स हैं। कंपनी के पास 10.57 लाख वर्कफुट एरिया है जिसके जरिए वह अपना रिटेल कारोबार चलाती है। इसका कारोबार 36 शहरों में फैला है। इसके एम्प्लॉयज की संख्या 2000 से ज्यादा है। 1980 में इसकी नींव रखी गई और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में देश की चौथी सबसे बड़ी रिटेलर है। लिस्टिंग के दिन ही धुआंधार परफॉर्मेंस करने के बाद इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक बड़ा सवाल ये घूम रहा है कि उन्हें क्या इस स्टॉक में बने रहना चाहिए या फिर नहीं। तो एक्सपर्ट्स की राय कहती है इन्वेस्टर्स को इसमें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। सीएनआई रिसर्च सीएमडी किशोर ओसवाल कहते हैं, हमने इसकी वैल्यूएशन चेक नहीं की है, लेकिन हमारा मानना है कि अगर किसी इन्वेस्टर्स को आईपीओ में 50% मुनाफा मिल रहा है तो उसे इससे निकल जाना चाहिए। यहां हम आपको ये भी बता दें कि हम आपको किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहे हैं। निवेश संबंधी फैसलों के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा करना चाहिए।